ओपनिंग जोड़ी मैदान पर सिद्धू और साथ उनका देते हुए राहू, ये जोड़ी मैदान पर ओपनिंग जोड़ी के रूप में चैलेंजिंग ऑलराउंडर क्रिकेट टीम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में और सामने फील्डिंग में मैदान में दिखाई देती हुई पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम। अंपायर का इशारा जो कि इनिंग की शुरुआत होने का और पहले ओवर की पहली गेंद और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर शॉर्ट गेंद, इस बार आगे निकलकर मारना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद, बल्ले में कोई संपर्क नहीं। सनम सालगांवकर विकेट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते और एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर दयेश भाटीकर गेंदबाजी करते हुए। सिद्धू एक बार फिर से अगले गेंद का सामना करते हुए, अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में, बोल्ड है उस गेंद पर, बिल्कुल शानदार गेंद, यॉर्कर अगले गेंद। यूथ ऑफ कुंकुलिम द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता एक बहुत ही शानदार आयोजन और उसका पूरा श्रेय देना पड़ेगा प्रेसिडेंट सम्माननीय मंजू श्रीवंत, उनके पूरे टीम मेंबर को, नितिन कालेकर साथ अजय नाइक, विपुल कालेकर और सुबोध सावंत, पूरी टीम को धन्यवाद देना पड़ेगा। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, लेकिन शायद गेंद कहीं पर, बल्ला कहीं पर, विकेटकीपर के हाथों में निकली गेंद बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। स्कोरबोर्ड अभी भी खाली, लेकिन एक पहला झटका जरूर लगता हुआ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई चैलेंजिंग ऑलराउंडर क्रिकेट टीम को। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर तेज गेंद निकली, ऑफ स्टंप को चकाती हुई विकेटकीपर के हाथों में फिर से डॉट गेंद निकली, थोड़ा सा कुछ निश्चित रूप से परेशानी में दिखाई देते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज केतन सामना करते हुए दहेज के अगली गेंद का राउंड विकेट राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए। ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े मारना चाहते थे मिड विकेट पर, बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में। ऑन साइड पर दो फील्डर दिखाई देते हुए, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर अमित दिखाई देते हुए, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर पुना जी दिखाई देते हुए, दो फील्डर जो कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर कैचिंग पोजिशन में। अच्छी गेंद, फिर से ब्लॉक होल में हल्के से खेला गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के सामने, विकेट कीपर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, शायद ये मेडन ओवर, सेमीफाइनल में आप इससे बढ़िया प्रदर्शन क्या करेंगे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चैलेंजिंग ऑलराउंडर क्रिकेट टीम का, लेकिन शायद मैं तो नहीं कहूंगा सेमीफाइनल के इस मैच में आपकी बढ़िया शुरुआत। बिल्कुल हमारे बगल में सामने जो कि इस प्रतियोगिता का जो कि YouTube पर लाइव टेलीकास्ट, गौरव सावंत और निखिल कांबले मैदान के बीच में, सदगिरी नाइक और नवनाचारी दोनों अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए और बीच बीच में पूरी जानकारी देते हुए, हमारे सहयोगी सतीश शिरोडकर, भूषण नाइक, हमारे स्कोरर विक्रम कुर्रेकर और मैं अशोक नाइक। सेमीफाइनल के इस मुकाबले में आप सभी का, इस दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दूर वाले छोर से गेंदबाज में परिवर्तन, महेश उर्फ मलिंगा के नाम से जाने वाले एक और तेज गेंदबाज पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम के सामने से बस स्टैंड एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, अब थोड़ी सी फील्डिंग बिखरी दी गई, फैला दी गई, बड़ा शॉट इस बार ऑन द राइट, थोड़ा सा मिड विकेट बाउंड्री पर कोई मौका नहीं, शानदार छक्का। राहू के बल्ले से शानदार चक्का, फिर से जो कि बड़ा शॉट इस बार विथ अलोंग द कार्पेट, गेंद को खेला ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते,
समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन पूरा करने का, 7 रन टोटल। दूसरा ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पे शानदार छक्का मिड विकेट बाउंड्री पर राहुल के बल्ले से। अब स्ट्राइक गेंद पर केतन सामना करते हुए महेश की गेंदबाजी का बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर उछाल लेते हुए हल्के से अंपायर की ओर देखते हुए, लेकिन बिल्कुल पिछले लगभग 4-5 दिन से काफी कड़ी मेहनत करते हुए ये दोनों अंपायर मैदान पर बिल्कुल जिम्मेदारी का काम निभाते हुए फिर से बड़ा शॉट मारना चाहते थे। ऑन साइड पर थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा, शॉर्ट टर्न मैन पर फील्डर गेंद को उठाते मनोज दिखाई देते हुए फील्ड करते, 1 रन अपने खाते में पूरा किया। 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट पर। केतन ने अपना खाता खोला नॉन स्ट्राइक रेन पर 1 पर। तेज गेंद, इस बार काफी गति के साथ गेंदबाजी, लेकिन शायद इस बार अपने दिशा में भटके, काफी रफ्तार के प्रयास में थोड़े से ऑफ स्टंप्स के बाहर गेंद को पिच कर बैठे। वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रनों ने अपना खाता शुरू किया और 1 रन जो कि स्कोर के खाते में। स्टंप को कवर करके मारना चाहते थे स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, क्या बढ़िया गेंदबाजी, अच्छे लाइन पर बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा है भाई। एक छक्का लगा जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन पहला ओवर बिल्कुल नतीकुला ओवर, लाजवाब गेंदबाजी, मेडन ओवर सेमीफाइनल के मैच में दयेश भाटीकर। छोटा रन 4-5 कदमों का सुंदर शॉट, इस बार बिल्कुल हाफ वाली पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों का। एक अच्छा ओवर जहां तक जो कि बल्लेबाजी का सवाल, टॉस जीतकर चैलेंजिंग क्रिकेट टीम के लिए एक शानदार छक्का लगा पहले ओवर में, एक जो कि निश्चित रूप से धक्का जरूर लगा। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और टोटल स्कोर होता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान सर। कंप्लीट अपना 2 ओवर्स 10 लॉस ऑफ 1 विकेट। दोन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय, पॉवर प्लेचा इशारा येतोय कमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं, आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रति षटकामागे 10 धावा जमवत 1 गडी बाद अशी धावसंख्या प्रथम फलंदाजी करताना चॅलेंजिंग ऑलराऊंडर क्रिकेट टीम नाणेफेक जिंकतोय। प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतोय, पहिलं षटक दयेश भाटीकर निर्धाव टाकतोय, पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग रनअपवर सज्ज होतोय, राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय आणि स्ट्राईकला त्याला सामोर जातोय तो। रिवर्स स्वीपचा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, निर्धाव चेंडू, सनम साळगावकर बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतोय। बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक आणि 3 क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी म्हणजे बाउंड्री लाईनच्या सर्कलच्या बाहेर दिसत आहेत। ओव्हर पिच चेंडू, एक सुंदर फटका परंतु नेमका हवेत विरतोय, मिड विकेटला झेल टिपला जातो, एक साधा सोपा दुसरा आदरा बसतोय तो चॅलेंजिंग। पहिला षटक निर्धाव टाकतोय, या षटकात एक महत्त्वाचा हादरा देतोय म्हणजे दुसरा गडी तंबू मध्ये परततोय आणि नवीन फलंदाज मैदानात येतोय तो स्वप्निल। स्वीपचा फटका या ठिकाणी थोडासा हवेत, स्क्वेअर लेग पंचांच्या मागे चेंडू येतोय, डीप फाईन लेग वरून क्षेत्ररक्षक येतोय, 1 धाव पहिली वेगानं दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। आल्या पहिल्या चेंडूवर आपलं खातं उघडतोय आणि बराच वेळ जो धावफलक रखडला होता तो 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। स्ट्राईकला येतोय तो स्वप्निल आणि नॉन स्ट्राइकरला 2 धावावर केतन।
सुंदर फटका एक्स्ट्रा कवरच्या दिशेने एक कवर ड्राईचा लाजवाब फटका डीप लॉन्ग ऑफवरून चित्ररक्षक येतो कवरला या ठिकाणी एक धाव झटपट दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. राजेश वैंगणकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीला चित्ररक्षण करतो या ठिकाणी. स्क्वेअर लेगला पुनाजी लॉन्ग ऑन बाउंड्रीला अमित दिसतोय आणि डीप कवर पॉइंटला महेश उर्फ मालिंगा. तीन चित्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर दिसतायत. ओवर पिच चेंडू पुन्हा एकदा थोडासा फटका मिस टाइम होतोय. चेंडू म्हणजे नेमका मारायचा होता तो स्क्वेअर लेगला पुनाजीच्या डोक्यावरनं, परंतु बॅटची कड घेतोय चेंडू येतोय तो म्हणजे यष्टीरक्षकाच्या दिशेने. आणखी एका धावीची भर पडते धावसंख्येत. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करतोय तो चॅलेंजिंग ऑलराउंडर क्रिकेट संघ. पुन्हा एकदाच एक जमनी लगतचा फटका ऑन साइडला सिलिमिडॉनला. दयेश भाटेकर वेगानं चेंडूवर येतोय. तोपर्यंत आपल्या क्रीज मध्ये दोन्ही फलंदाज सुरक्षित पोहोचतायत. आणखी एका षटकाची सांगत होते निम्म्या, म्हणजे तीन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय सामना. पाच षटकांचा सेमीफायनलचा पॉवर प्लेची दोन्ही षटक समाप्त होत आहेत आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर अवघ्या 14 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. अजून 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. गोलंदाजीत बहुधा बदल होतोय आणि आमच्या कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत ते भूषण नाईक. थँक्यू. फिर एक बार मैं भूषण नाईक सभी दर्शकों का सभी खिलाड़ियों का इस मैदान के भीतर दहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं. 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर दो विकेट के नुकसान पर तीन ओवर के समाप्ति के बाद दो ओवर का खेल बाकी. निश्चित रूप से 12 गेंदों में एक आतिशी पारी खेलने की आवश्यकता. इरादा क्षमता वाले दोनों खिलाड़ी मैदान के भीतर बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है. पहला सेमीफाइनल मुकाबला तमाम दर्शकों के बीच. इस बार उठाया हवा में गेंद, हवा से बहती करती हुई गेंद सीमा रेखा पार सन्नाटे दर्शक. रन स्कोरबोर्ड के ऊपर दो विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी, जो कि 34 ओवर प्रगति पर गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज. गेंद और बल्ले का संघर्ष तमाम दर्शकों का मनोरंजन इस मैदान के भीतर. इस बार यहां पर फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे. लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र में गेंद जाती हुई मनोज नार्वेकर गेंद के ऊपर आते हुए जब तक थ्रो करते एक रन के साथ यहां पर रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कि पॉलिटिक्स 9 वर्सेस इस बार यहां पर बेहतरीन गेंद रनआउट का मौका जरूर यहां पर था. पहला रन मुकम्मल करते हुए रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई पहुंचती हुई यहां पर 23 रन दो विकेट के नुकसान पर. अपली कलंगुटकर जिसका जिक्र हर एक प्रतियोगिता में जो कि होता है वही गेंदबाजी के मोर्चे पर जो कि गेंदबाजी करता हुआ और की अगली गेंद राइट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक गेंद पर. इस बार यहां पर बेहतरीन गेंद खेलना चाहते थे यहां पर आड़े बल्ले से गेंद कहीं पे निशाना कहीं पे रन संख्या जो कि एक के से आगे बढ़ती हुई 2200 रूप एक रन मिलता हुआ और एक रन के साथ रन संख्या जो कि यहां पर 24 रन दो विकेट के नुकसान पर. चार ओवर का खेल समाप्त, मतलब 24 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ और चार ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 24 रन. अक्सर यहां पर लो स्कोरिंग के मुकाबले कई बार यहां पर टेनिस बॉल क्रिकेट में देखे जाते हैं. याद आती है जो कि पिछले कल के जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले की धीरज चेन्नई वर्सेस अल्बर्ट डेवलपर्स के बीच में हुआ था. 45 रन का पीछा करती टीम यहां पर 40 रन पर पहुंचती हुई और 5 रन से यहां पर हारना पड़ता हुआ धीरज नाइन टीम को. इसलिए यहां पर अंतिम गेंद जब डाली न जाए भाकित करना यहां पर कमेंट्री बॉक्स के ओर से कठिन होता हुआ. 6 गेंदों का खेल बाकी. निश्चित रूप से हर एक गेंद पर प्रहार की आवश्यकता. वही क्षमता वाले खिलाड़ी जो कि मैदान के भीतर बल्लेबाजी करते हुए दो ओवर के 24 रन दो विकेट के नुकसान पर और 6 गेंदों का खेल लगभग शेष. गेंदबाजी के मोर्चे पर जो कि रोहन सालगांवकर आखिरी ओवर लेकर
पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कि तमाम दर्शकों के बीच में भूषण नाईक, मेरे सहयोगी कमेंटेटर सर अशोक नाईक, सतीश शिरोडकर और रेड की हड्डी कहलाने वाले स्कोरर जो कि यहाँ पर विक्रम कुरेकर के साथ यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से दहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार यहाँ पर हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच का मौका, लेकिन तूफानी फायर सन्नाटे दर्शक का स्टैंड ऑन डिलीवरी। के ऊपर दो विकेट के नुकसान पर रोहन सलगांवकर का जो कि यहां पर पहली गेंद पर छक्के के साथ स्वागत करता हुआ यह खिलाड़ी, आक्रामक इरादा यही बल्लेबाज का अगले पांच गेंदों में, देखने वाली बात होगी, समय तय करेगा फिलहाल यहां पर। इस बार यहां पर बेहतर गेंद जड़ में डाले हुई विदल ऑन द कार्पेट गेंद चल पड़ी, बढ़िया पर पहला रन मुकम्मल किया पुनाजी जो कि हमारे सामने वाले स्क्रीन की ओर से आते हुए और एक रन यहां पर देते हुए एक रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई 31 रन यहां पर दो विकेट के नुकसान पर। इस बार यहां पर बेहतरीन शॉट हवाई फायर तूफानी मेला दंदराता सनसनाता खनखनाता छक्का। इस टीम के चैलेंजिंग ऑलराउंडर 37 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर दो विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर जो कि इस इनिंग का प्रगति पर। इस बार यहां पर शॉर्ट पिच गेंद गजब का स्ट्रोक हवाई फायर तूफानी मेल गजब का छक्का। थैंक यू प्लीज, आधी रोके तो हम तूफान और तूफान रोके तो हम आग का दरिया, इरादा इस बल्लेबाज का सफल होता हुआ मैदान के भीतर बैक टू बैक फायर लगाता हुआ और रन संख्या जो कि रन मशीन की तरह आगे बढ़ता हुआ 43 रन दो विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी। अब हार की जंजीर नहीं बल्कि जीत का गुलाल होगा सेमीफाइनल के मुकाबले में यह इरादा जो कि ऑलराउंडर का इस टीम का। निश्चित रूप से रोहन सालगांवकर गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंद और बल्ले का संघर्ष तमाम दर्शकों का मनोरंजन और जो जीतेगा जरूर अंतिम फाइनल मुकाबले में जाएगा। इस बार यहां पर बेहतर गेंद पहले प्रयास में यहां पर कीपर की गलती, यहां पर दहेश भाटेकर जो कि यहां पर गलती करते हुए एक रन मुकम्मल किया एक रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ी पहुंची यहां पर 44 रन दो विकेट के नुकसान पर और संकट मोचक पारी खेलता हुआ यह खिलाड़ी जो कि मैदान के भीतर। केतन जो कि स्ट्राइक एंड पर तो नौ स्ट्राइक एंड पर एक संकट मोचक जो कि स्वप्निल मैदान के भीतर और की अगली गेंद फिर एक बार रोहन, इस बार जड़ में डाली हुई गेंद विदल ऑन द कार्पेट डीप मिड विकेट की दिशा में खेल दिया पहला रन मुकम्मल किया दूसरे के लिए पलटे खतरनाक हो सकता है अमित जो कि हमारे सामने वाली स्क्रीन की ओर से गजब की फील्डिंग इस खिलाड़ी की ओर से, लेकिन तीसरा विकेट जो कि रनआउट के रूप में गिरता हुआ और पहले पारी की समाप्ति होती हुई रन संख्या जो कि यहाँ पर। थैंक यू
तैयार आहोत मधी एक हाउजी आसली हाउजी से कैश प्राइज आसते 10,000 जे आम वॉलंटियर घेन तुम्हार मुखार तुम्ही सहकार करते हतुक दुबाव ना एक 10,000 ते कैश प्राइज आसते लास्ट आसती आमची ग्रैंड फिनाली आयच्या दिवसाची निमणी मैच ये दोन सेमीफाइनल जातकच जातली मंजू शिरवंत आणि त्याचे सहकारी बाब नितीन कालेकर सुबोध सावंत विपुल कालेकर तसेच अजय नाईक यांचे सहकार्यान एक 4 दिवस झाले आजचा जो निमणा दिस या टुर्नामेंटचा आणि बऱ्यापैकी या टुर्नामेंट आयोजन झाले असा अजय आणि काही खिणा अजय उरलेले असतात या सेमीफायनल जातकच रोकडेच अल्बर्ट डेव्हलपर वर्सीस पी एफ सी बार्ली जे सी पी एलाचे फाटले सी पी एलाचे मानकरी आसात जे ताणी के ही ट्रॉफी जी सतीश यूथ ऑफ कुंकोलम स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता सेमीफाइनल का तगड़ा मुकाबला दो बड़े टीमों के बीच में अंतिम ओवर में 21 रन बने शायद वो टोटल काफी निर्णायक रहेगा। एक शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का जो कि सम्माननीय मंजू श्रीवंत प्रेसिडेंट उनके पूरी टीम मेंबर जो कि नितिन कालेकर अजय नाईक विपुल कालेकर सुबोध सावंत और साथ साथ जो कि दो अंपायर मैदान में बिल्कुल बढ़िया काम निभाते हुए सदगिरी नाईक और नवनाचारी हमारे बगल में स्कोरिंग का काम करते हुए विक्रम कुर्रेकर और लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर गौरव सावंत निखिल कांबड़े कमेंट्री बॉक्स में भूषण नाईक सतीश शिरोडकर और मैं अशोक नाईक सेमीफाइनल के मैच में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। कल की प्रतियोगिता में हमारे सहयोगी जो कि जय भोसले जो कि उपस्थित थे इस मैदान पर ओपनिंग जोड़ी मैदान पर सनम सालगावकर और नॉन स्ट्राइकर इन पर मनोज नार्वेकर 46 रन की आवश्यकता 5 ओवर का मैच अंतिम फेरे में प्रवेश करने के लिए अब बिल्कुल एक बड़ा इनाम साथ साथ एक आकर्षक ट्रॉफी और देखना होगा कि अंतिम फेरे में पहले कौन प्रवेश करते हैं इस प्रतियोगिता में। गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर दूर वाले छोर से सुदेश गेंदबाजी करेंगे और सामने एक विस्फोटक बल्लेबाज रिवर्स शॉट के लिए रिवर्स स्वीप के लिए जाने जाने वाले सनम जो कि स्ट्राइक इन पर अंपायर का इशारा इनिंग के शुरुआत होने का और पहले ओवर की पहली गेंद अच्छा शॉट इस बार ऑफ स्ट्राइक पर एक गेंद हल्के से खेला मिड ऑन पर बिल्कुल फील्डर मौजूद रन की कोई संभावना मौजूद नहीं थी। चैलेंजिंग ऑलराउंडर क्रिकेट टीम के पूरे समर्थक जो कि अपने टीम का हौसला बुलंद करते हुए हौसला बढ़ाते हुए उत्साह बढ़ाते हुए तालियों से बिल्कुल बधाई देते हुए रिवर्स स्वीप का प्रयास गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके
पैरों पे टकरा दी हुई, फिलहाल कोई नुकसान नहीं, कोई रन की गुंजाइश नहीं। लगातार दो गेंदे डॉट निकालते हुए गेंदबाज सुदेश एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, इस बार उड़ाया गेंद को, ये मौका रहेगा मिड ऑफ पर, बिल्कुल फील्डर गेंद के नीचे, सनम की बारी समाप्त। नए बल्लेबाज मैदान पर ऑलराउंडर खिलाड़ी दयेश भाटीकर। स्ट्राइक एंड पर मनोज नार्वेकर, आज सनम फिर से काफी सस्ते में लौटे, अपना बिना खाता खोले वापस। इस बीच में एक बार फिर से अगली गेंद, ओवर पिच गेंद, इस बार बढ़िया शॉट उठाकर मारा गेंद को, लंगा बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गेंद निकलती हुई, मनोज नार्वेकर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, चार रन स्कोर के खाते में। मैच सेमीफाइनल का मैच टोटल जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता, एक विकेट जरूर मिलती हुई चैलेंजिंग ऑलराउंडर क्रिकेट टीम को, लेकिन बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है और खास करके मनोज बिल्कुल प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, विकेट के दोनों ओर जो कि शॉट लगाते हैं, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर जो कि बढ़िया शॉट खेलते हैं मनोज नार्वेकर, काफी दारोमदार रहेंगे इस मैच में उनकी। सुदेश एक बार फिर से तैयार अपनी बॉलिंग रनअप पर, अच्छे गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, ऑफ साइड पर हल्के से ढकेला गेंद को, पॉइंट पर फील्डर आते, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, टोटल बढ़ता हुआ एक रन के साथ से 5 रन, एक विकेट के नुकसान पे 46 रनों के जवाब में 41 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। सेमीफाइनल का मैच है भाई, बात आसान नहीं रहेगी मैदान में, सामने वाले से टीम जरूर प्रतिकार करेगी, हर तरह से कोशिश करेगी, मालूम है यह मुकाबला जीतना, अंतिम फेरे में प्रवेश करना। फुल टॉस गेंद, ओ ये मौका था, फुल टॉस गेंद, रिवर्स स्वीप का शॉट, पॉइंट पर बिल्कुल हाथों में गेंद, शायद कैच छूटा, कहीं कैच काफी महंगा साबित न हो चैलेंजिंग ऑलराउंडर क्रिकेट टीम को, क्योंकि अक्सर इस तरह से मौके काफी महंगे साबित होते हैं। दयेश भाटीकर बिल्कुल जो कि शायद वापस लौटने की तैयारी में थे, लेकिन पॉइंट पर एक मौका गंवा दिया फील्डर ने। क्रिकेट में फील्डिंग का स्तर काफी अच्छा रहता होना चाहिए और सेमीफाइनल के मैच में जो कि निर्णायक मुकाबला रहता है, आपके लिए फिर से कोई वापस का रद्दों की द्वार नहीं रहता, लेकिन एक मौका जरूर मिलता हुआ दयेश भाटीकर को, फिलहाल आने वाला समय बता देगा कि यह मौका कितना जो कि महंगा साबित होता है चैलेंजिंग ऑलराउंडर क्रिकेट टीम को। स्कोरबोर्ड रुका हुआ, एक ओवर समाप्त, 5 रन एक विकेट के नुकसान पे, एक चौके की मदद से मनोज नार्वेकर, स्ट्राइक एंड पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर दयेश भाटीकर और गेंदबाजी में परिवर्तन। रमेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, ऑन साइड पर दो फील्डर जो कि एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर जो कि ऑन साइड पर, और ऑफ साइड पर एक बिल्कुल हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के सामने डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर दिखाई देता हुआ, थोड़ा सा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए कप्तान दिखाई देते हुए मैदान पर। रमेश अपने बॉलिंग रनअप पर, एक छोटे रनअप से 7-8 कदमों के रनअप से, और सामने मनोज नार्वेकर पिछले ओवर में एक बड़ा चौका लगा चुके हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन एक लंबी बारी खेलनी पड़ेगी मनोज को अपने पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम के लिए,
सामने से अगर बात की जाए तो चैलेंजिंग ऑलराउंडर क्रिकेट टीम के लिए मेरे ख्याल से और एक दो विकेट लेने पड़ेंगे और एक दो धक्के देने पड़ेंगे भाई, मुकाबला बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, रोमांचकारी हो जाएगा अंतिम ओवर तक। शॉर्ट गेंद, खराब गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक शानदार शॉट, स्क्वायर लेग से मारेगा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। स्वागत मनोज नार्वेकर ने छक्के के साथ किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक बिल्कुल जो कि शानदार छक्का, काफी देर तक गेंद जो कि काफी दूर दिखाई देते हुए 11 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छा शॉट जो कि पिच चढ़ कर खेला, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, 1 रन जरूर स्कोर के खाते में, आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक गेंद पर दहेश वाटिकर आते हुए इस मैच में, सेमीफाइनल के मैच में गेंदबाजी में बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन, पहला ओवर जो कि मेडन ओवर, बल्लेबाजी में एक मौका मिल चुका है, मौके का फायदा देखना होगा कि किस तरह से उठाते हैं दहेश वाटिकर, सामना करते हुए रमेश की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी ब्लॉक होल में गेंद बल्ले से लगकर शरीर पे टकराई, फिलहाल कोई नुकसान नहीं, कोई रन की गुंजाइश नहीं, एक अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक गेंदबाजी की बात की जाए, रनों की बात की जाए, मेरे ख्याल से एक दो विकेट लेने पड़ेंगे इस मैच में। और सामने से अगर पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम के बारे में बताया जाए तो और एक दो बड़े शॉट बिल्कुल रन रेट को ठीक ठाक कर देंगे, स्कोरिंग को ठीक ठाक कर देंगे। शॉर्ट गेंद, बढ़िया शॉट, इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया गेंद को, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, दहेश वाटिकर ने 1 रन के साथ से अपना खाता खोला मैच में, और स्कोरबोर्ड 13 लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 13 रन 1 विकेट पर। बिल्कुल अच्छा माहौल, काफी दर्शकों की मौजूदगी और हल्की हवा बहते हुए मैदान पर। शॉर्ट गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फिर से बड़ा शॉट, मनोज नार्वेकर इस तरह से गेंदों को माफ नहीं करेंगे भाई, 6 रन के लिए गेंद सीमारेखा से बाहर। हवा 19 रन 1 विकेट पर। शॉर्ट गेंद, इस बार टाइमिंग नहीं कर पाए, फिर से बड़ा शॉट, लेकिन गेंद थोड़ी सी मेरे ख्याल से जो कि उम्मीद नहीं थी उनसे थोड़ी सी जो कि नीचे मिलती हुई मनोज को, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन के साथ से 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 46 रनों के जवाब में 26 रनों की अभी भी आवश्यकता मैच को जीतने के लिए, और 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, 18 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता, 2 षटकांचा खेल समाप्त होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 20 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात। इस मैच के बाद जो कि मुकाबला होगा पीएफसी बाली और अल्बर्ट डेवलपर्स, प्लीज दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। यूथ ऑफ कुंकुलम स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता, बिल्कुल शानदार आयोजन, प्रेसिडेंट सन्माननीय मंजू श्रीवंत, पूरी टीम मेंबर उनके साथ जो कि निखिल कालेकर, अजय नाइक, विपुल कालेकर, सुबोध सावंत, यूट्यूब पर गौरव सावंत, निखिल कांबले, मैदान पर 2 अंपायर जो कि सदगिरी नाइक और नवनाचारी, हमारे बगल में स्कोरिंग का काम करते हुए विक्रम कुर्रेकर, और बीच बीच में पूरी जानकारी देते हुए सतीश शिरोडकर, भूषण नाइक और मैं अशोक नाइक। 2 षटक समाप्त होता है, 20 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात, मनोज नार्वेकर स्ट्राइकला सज्ज होतोय आणि नॉन स्ट्राइकर यांना खेळतोय तो दहेश, 19 धावावर वैयक्तिक, 2 षटकार 1 चौकार मनोजच्या फलंदाजीत, रिवर्स स्वीपचा फटका, एक सुंदर टायमिंग, या ठिकाणी चेंडू डीप कव्हर पॉइंटला, 1 धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत,
एका धावेची भर पडते, धाव संख्या पुढे सरकते, 21 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात, 21 लॉस ऑफ वन विकेट, थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस। गोलंदाज सुदेश बोल्ड होतो या ठिकाणी, दयेश वाटीकर दुसरा हादरा बसतो या ठिकाणी पॉलिटिक्स क्रिकेट टीमला। थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस, दयेश भाटीकर तंबू मध्ये परतो एका धावेवर। दयेश भाटीकरला एक संधी मिळाली होती, एक झेल सुटला होता एका चांगल्या चेंडूवर, अप्रतिम चेंडूवर, यॉर्कर चेंडूवर तंबू मध्ये परतोय आणि नवीन फलंदाज फटकेबाज खेळाडू पुनाजी कालंगुटकर हा मैदानात येतोय। सामना करतोय सुदेशच्या गोलंदाजीचा। ओव्हर पिच चेंडू, एक सुंदर फटका आणि या ठिकाणी परतीचा एक अप्रतिम झेल गोलंदाज लिहितोय। आमच्या ज्या व्हॉलंटियर तुमच्या मुखार येतले त्यांना तुम्ही तांका सहकार्य करचे, हे आमच्या युथ ऑफ कुंकळी वांजे होत आहे। शून्य धावावर त्यानंतर 21 धावांची भागीदारी दुसऱ्या विकेटसाठी, परंतु पुनाजी आल्या एका चांगल्या चेंडूवर या ठिकाणी। म्हणजे मी म्हणेन की त्याचं फुल क्रेडिट द्यावं लागेल गोलंदाज सुदेशला। एक अप्रतिम स्पर्धेतील झेल टिपतोय ऑन हॅट्रिक गोलंदाज सुदेश आणि नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो रोहन। चांगला चेंडू ऑफ स्टंपरचा, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, स्लिपच्या दिशेने जातोय, शॉर्ट टर्नमॅनचा क्षेत्ररक्षक येतोय, लेग बाईचा इशारा पंचांकडून येतोय। एका धावेची भर पडते, धावसंख्या पुढे सरकते, 22 तीन गाड्यांच्या मोबदल्या, 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। 24 धावांची अजूनही आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी। अंतिम षटकात 21 धावा ज्या निघालायत मला वाटतं त्या धावा खूप काही निर्णायक ठरू शकतात सामन्यात। पाहूया नेमकं काय घडतंय। मनोज नार्वेकरच्या फलंदाजीत बरंच या ठिकाणी यश हे पॉलिटिक्स क्रिकेट संघाचं। चांगला चेंडू एक सन्मानजनक खेळून काढतोय कव्हरच्या दिशेने, जोपर्यंत गोलंदाज आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये येतोय त्यापर्यंत एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। एका धावेने धावफलक पुढे सरकतोय, 23 धावा तीन गड्यांच्या मोबदल्या, 23 लॉस ऑफ 3 विकेट, थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस। 23 धावा म्हणजे निम्म्या धावा होत आहेत, अजूनही निम्म्या धावांची आवश्यकता। तिसरं षटक यानंतरचा दोन षटकांचा अवघा खेळ बाकी। मनोज नार्वेकर आणि रोहन ही जोडगोळी मैदानात दिसते। सुदेश एक अप्रतिम गोलंदाजी टाकतोय, एक अप्रतिम झेल सेमीफायनलच्या सामन्यात टिकतोय। पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग रनअपवर सज्ज होतोय, समोर नवीन फलंदाज आलाय तो रोहन। ओव्हर पिच चेंडू लॉंग बॉलला भिरकावतोय, एक सुंदर षटकार या ठिकाणी रोहनच्या बॅटमधून।
तीन षटक समाप्त होता है। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर 29वा तीन गड्यांच्या मोबदल्यात 12 चेंडूंचा खेळ बाकी। 12 चेंडूत 17 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी। 12 चेंडू 17 धावा अंतिम फेरीत कोण प्रवेश करतोय क्रीडारसिकांच्या नजरात सामन्याकडे खेळलेल्या आणि नेमकं काय घडतं हे सांगण्यासाठी आमचे सहकारी पुन्हा एकदा आपल्या समोर येत आहेत ते भूषण नाईक। 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। थैंक यू। फिर एक बार सभी दर्शकों का सभी खिलाड़ियों का इस मैदान के भीतर मैं भूषण नाईक कमेंट्री बॉक्स की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। 12 गेंदों का खेल बाकी। 12 गेंदे जीतने के लिए 17 रन की आवश्यकता और जब तक यहां पर मनोज मैदान के भीतर टीम की ओर पर खतरा जरूर मंडराता हुआ इसको लगा डाला तो लाइव जरूर झिंगा लाला। 12 गेंदे जीतने के लिए 17 रन की आवश्यकता और फिर एक बार जो कि मनोज स्ट्राइक एंड पर आता हुआ निश्चित रूप से हर एक गेंद पर प्रहार की आवश्यकता। क्षमता वाले दोनों बल्लेबाज मनोज और रोहन मैदान के भीतर आतिशी पारी खेलने की क्षमता रखते हुए लेकिन हौसला यहां पर बुलंद सामने वाली टीम का। चौथे ओवर की पहली गेंद और मनोज राइट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर शॉर्ट पेज गेंद गजब का स्ट्रोक दंदनाता सनसनाता खनखनाता छक्का जो कि मनोज के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन का इजाफा। ये खिलाड़ी मैदान के भीतर संकट मोचक पारी खेलने की क्षमता इस बार यहां पर खेल दिया हवा। पहला रन मुकम्मल किया दूसरे रन की तमाम शंका यहां पर समाप्त हो गई। एक रन के साथ छोर बदला स्कोर बोर्ड के ऊपर रन संख्या जो कि आगे बढ़ी पहुंची यहां पर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करते हुए लगभग चौथे ओवर का खेल यहां पर प्रगति पर। रोहन सालगांवकर जो कि एक चक्के के हेल्प से यहां पर आक्रामक पारी की क्षमता रखता हुआ अभी भी 10 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। इस बार यहां पर खेल दिया स्क्वायर लेग हंपायर के बगल से यहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पहला रन मुकम्मल किया एक रन के साथ छोर बदला और रन संख्या जो कि आगे बढ़ी पहुंची यहां पर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करते हुए 9 रन की अभी भी जरूरत। चौथा ओवर प्रगति पर गजब का मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला जो कि पिछले कल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले की याद दिलाता हुआ मनोज नार्वेकर जब तक मैदान के भीतर संकट मोचक यहां पर खेलने की क्षमता उस खिलाड़ी में और की अगली गेंद जो इस बार यहां पर बेहतरीन गेंद बैट का चुम्मा यहां पर गेंद कीपर के हाथ में जाती हुई डॉट गेंद स्कोर बोर्ड के ऊपर रन संख्या जो कि यहां पर रुकती हुई 37 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी 45 है ना जिनका 46 रन का पीछा करती टीम यहां पर 37 रन पर पहुंचती हुई 3 विकेट के नुकसान पर और मनोज जो कि गजब की बल्लेबाजी संकट मोचक पारी खेलता हुआ मैदान के भीतर पॉलिटिक्स 9 टीम की ओर से। पहला सेमीफाइनल मुकाबला तमाम दर्शकों का मनोरंजन करता हुआ ऑफ स्टंप के यहां पर बाहर अंपायर का वाइड का इशारा और वाइड स्वरूप रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई पहुंचती हुई 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर मनोज अपने निजी 28 रन का योगदान देकर बल्लेबाजी। इस बार फुल टॉस गेंद गजब का स्ट्रोक हवाई फायर तूफानी मेल सुल्तानी छक्का जो कि मनोज के बल्ले से निकलता हुआ। पिघलता है तो शराब होती है चिंगारी भड़कती है तो आफत आ जाती है और मनोज का जल्ला बल्ला जब जब चलता है अच्छों अच्छों की हवा जरूर टाइड हो जाती है। सिर्फ 2 रन की जरूरत है सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में मैच जीतने के लिए और हीरो जो कि मनोज मैदान के भीतर इस बार उठाया हवाई फायर हवा में गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे आसान सा कैच और मनोज नाम का ये डेंजर मैन वापस लेकिन काम और एक चौका 6 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता। ऑर्गेनाइज ये बड़ी प्रतियोगिता आज का ये 5वां और अंतिम दिन और अंतिम दिन का ये यहाँ पर पहला
की जरूरत मुकाबला यहाँ पर लगभग पॉलिटिक्स नाइन की ओर से। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, तमाम दर्शकों का मनोरंजन, कौन जीतेगा यहाँ पर अगले राउंड में जाएगा, अंतिम मुकाबले का कौन विनर होगा, एक रोमांचक मुकाबले यहाँ पर तमाम दर्शकों का मनोरंजन करते हुए। कल के मुकाबले यहाँ पर जबरदस्त मुकाबले और वही आशा अपेक्षा आज भी यहाँ पर अंतिम दिन में यहाँ पर दर्शकों की। 6 गेंदे 2 रन की आवश्यकता, आपाली कलगुटकर नया बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक गेंद पर इस बार यहां पर बैठकर चुम्बा लेकर गेंद खिलाड़ी के हाथ में और विकेट का पतन यहां पर, 14th विकेट आपाली यहां पर वापस। पांच गेंदे रूप से लगभग पॉलिटिक्स नाइन की ओर से अभी भी मुकाबला झुका हुआ। इस बार यहां पर सम्मान दिया यहां पर खिलाड़ी के जरूर यहां पर 1 रन मुकम्मल करते हुए और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई पहुंचती हुई यहां पर 45 रन। लगभग मुकाबला टाई होता हुआ, 4 गेंदों का खेल बाकी, 1 रन की आवश्यकता। रोमांचक मुकाबला यहां पर, बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, लेकिन उन्हीं की तरह यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी जो कि बाजीराव की पारी या 28 रन की मनोज नार्वेकर की ओर से, 34 रन की रोहन सालगांवकर स्ट्राइक गेंद पर। 1 रन की जरूरत पहले सेमीफाइनल मुकाबले में मैच जीतने के लिए, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, रन लेने की जरूरत। 3 गेंदे 1 रन, ये मुकाबला जरूर यहां पर एक हाई वोल्टेज होता हुआ नजर आता हुआ, इसलिए कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका ही पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 3 गेंदे 1 रन, मुकाबला लगभग टांग होने की संभावना अगर इसी तरह की गेंदबाजी हो रही हो। फील्डिंग में लगातार बदलाव होता हुआ, हौसले दोनों टीमों के बुलाना, कांटे की टक्कर, रोहन सालगांवकर 1 छक्के की हेल्प से एक सेट बल्लेबाज जो कि आक्रमक ढांचे की बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी स्ट्राइक गेंद पर। इस बार यहां पर शॉर्ट पिच गेंद कैच का मौका जरूर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट का पतन होता हुआ, रोहन सालगांवकर वापस। हीरो को जीरो बनाता है क्रिकेट, वजीर को फकीर बनाता है क्रिकेट, इसलिए अंतिम गेंद जब डाली ना जाए कमेंट्री बॉक्स की ओर से बाकित करना सही नहीं समझते। औपचारिकता बाकी थी, मैच यहां पर समाप्त होने वाला ही था, लेकिन शानदार गेंदबाजी इस गेंदबाज की ओर से, 2 गेंदे और 1 रन की जरूरत। केतन नाम का यह गेंदबाज गेंदबाजी करता हुआ, एक प्यादी भी पूरा मुकाबला बदलाव कर सकती है यही इरादा लेकर गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे पर। राजेश वैंगणकर क्षमता बड़े शॉट की मैदान के भीतर और निश्चित रूप से यहां पर छक्का लगाकर मैच समाप्त करने की क्षमता, हौसला क्षमता लेकर मैदान के भीतर बल्लेबाजी के लिए। 2 गेंदे 1 रन, इस बार गजब का स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार छक्का, मैच समाप्त होता हुआ और मैच जीती हुई पॉलिटिक्स 9 टीम। दोनों टीमों का मैं भूषण नाइक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पहले सेमीफाइनल के इस रोमांचक मुकाबले से